लेसन थर्ड के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट लेसन थर्ड। द नेम ऑफ लेसन इज द गोल्डन टच। वर्ड मीनिंग, प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट की थी और आज हम इसके वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज फुलिश। फुलिश मीन्स मूर्ख। ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची। रिचेस्ट, सबसे अमीर। ब्यूटीफुल, सुंदर। हैप्पियर, सुखी। एंजल, फरिश्ता। अपीयर्ड, दिखाई देना। मैजिकल, जादुई। डोरवेज, दरवाजे। नेक्स्ट इज पिलर्स मीन्स खम्बे। डॉटर, बेटी। लाफिंग, हंसना। स्टैचू, पुतला। वीपिंग, रोना। प्रीसियस, कीमती। टिंकलिंग, खिलखिलाना। पर्ड, भैनिकले। पर्ड मीन्स बहना। वाइजर मीन्स बुद्धिमान। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर। वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गए हैं हमारे एंड आफ्टर देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज किंग मिदास, व्हाट डिड ही वांट। टू क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें। फर्स्ट इज हु वाज किंग मिदास, किंग मिदास कौन था, एंड सेकंड इज व्हाट डिड ही वांट, वह क्या चाहता था। आंसर इज ही वाज अ ग्रेट किंग ऑफ ग्रीस, वह ग्रीस का महान राजा था। एंड सेकंड इज व्हाट डिड ही वांट, ही वांटेड मोर गोल्ड एंड मोर सिल्वर, वह अधिक सोना और अधिक चांदी पाना चाहता था। सेकंड इज व्हाट विश डिड द एंजल ग्रांट मिदास, मिदास ने एंजल से जो स्वर्गदूत था उससे क्या इच्छा मांगी। आंसर इज द गोल्डन टच, सोने का स्पर्श। उसने मांगा कि उसने अपनी इच्छा रखी एंजल से कि जब वह किसी भी चीज़ को टच करे तो किस में चेंज हो जाए, गोल्ड में चेंज हो जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंजल गेव मिदास द गोल्डन टच, व्हाट हैपन्ड इन द पैलेस देन। एंजल ने जब मिदास को गोल्डन टच दे दिया, जब मिदास की इच्छा पूरी हो गई थी, तो महल में क्या घटित हुआ। आंसर इज एवरीथिंग चेंज इनटू गोल्ड, प्रत्येक वस्तु किसने बदल गई, गोल्ड में बदल गई, सोने की बन गई थी। जिसको भी मिदास टच कर रहा था, जिस भी वस्तु को, वह किस में चेंज हो रही थी, गोल्ड में। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट हैपन टू किंग मिदास डॉटर, किंग मिदास की बेटी के साथ क्या घटित हुआ। आंसर इज हिज डॉटर चेंज इनटू गोल्ड, उसकी बेटी किसकी बन गई थी, सोने की बन गई थी, वो भी सोने में बदल गई। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट लेसन डिड मिदास लर्न इन द एंड, मिदास ने अंत में क्या सबक सीखा। आंसर इज ग्रीड इज अ कर्स, लालच क्या है, बुरी बला है। एंड नेक्स्ट इज बुक एक्सरसाइज। हु सेड द फॉलोइंग एंड टू हुम, किसने कहा और किसको कहा। फर्स्ट इज आई लव गोल्ड मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं संसार में सोने से अधिक प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं सोने से प्यार करता हूँ। किसने कहा था ये, मिदास सेड टू हिमसेल्फ, मिदास ने कहा था अपने आप से। नेक्स्ट इज मिदास यू विल हैव योर विश, मिदास यू विल हैव योर विश, मिदास तुम्हारी क्या इच्छा है।
एंजल सेड टू मिदास, किसने कहा था ये? एंजल ने पूछा था मिदास से। नेक्स्ट इज डियर फादर लुक एट दिस लवली फ्लावर, पापा देखो ये कितने सुंदर फूल हैं। डॉटर सेड टू मिदास, मिदास की जो बेटी थी वो उसके पास आई थी फ्लावर्स लेके, तो उसने कहा था कि पापा देखो ये कितने सुंदर फूल हैं। तो डॉटर सेड टू मिदास, बेटी ने कहा था अपने पिता से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड्स इन द लेसन विच मीन, हमें वर्ड फाइंड आउट करने हैं जो इसी लेसन में हैं उससे रिलेटेड। जैसे फर्स्ट है हमारा नॉट वाइज, तो हमें इस लेसन से रिलेटेड ही बताना है। इसमें जो हमने लेसन में रीड किया है उसका वर्ड ही कोई नॉट वाइज मीन्स बुद्धिमान नहीं, तो इसका मीनिंग हुआ फुलिश। नेक्स्ट इज नेवर सेटिस्फाई, कभी नहीं संतुष्ट होने वाला, ग्रीडी लालची। नेक्स्ट इज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू वन, ऑफ ग्रेट वैल्यू टू वन, एक कोई अधिक मूल्यवान तो क्या हुआ प्रीसियस, मतलब कीमती हुआ उसका। प्रीसियस मीन्स क्या होता है, मूल्यवान कीमती। ए फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड एंगर, उदासी और गुस्से से भरा हुआ, उदासी और गुस्से की भावना, सॉरी उदासी और गुस्से की भावना, क्राई आउट चिल्लाना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज राइट द प्लूलर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, प्लूलर वर्ड्स राइट करने हमें, ये सिंगुलर दिए हुए हैं मींस एक वचन, ये हमें यहाँ प्लूलर्स बनाने हैं इसके मींस बहुवचन। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज लीफ, लीफ सिंगुलर, अब इसका प्लूलर में चेंज करेंगे इसको, तो इसमें एफ़ की जगह क्या आएगा, वी ई एस, लीफ को चेंज करेंगे लीफ को लीव्स में। ओके स्टूडेंट्स, एफ़ को चेंज करेंगे वी ई एस में, तो क्या बन जाएगा लीव्स। सेकंड इज रूफ, रूफ का मीनिंग, रूफ का प्लूलर क्या बनेगा, रूफ्स, ओनली एस लगाएंगे हम इसमें। वाइफ सेम जैसे लीफ का किया था हमने वी ई एस, ऐसे इसको चेंज करना है वाइफ का, वाइफ्स। वोमैन, वोमैन ही आएगा, बस ई की जगह इसमें ए की जगह ई आएगा, वोमैन का वोमैन ही आएगा, ए की जगह ई आएगा इसमें। स्पेलिंग में आपको ये बात ध्यान रखनी है, ए की जगह इसमें ई। नेक्स्ट इज डियर, नॉट चेंज सेम, डियर का डियर। गोल्ड, नॉट चेंज गोल्ड का गोल्ड ही आएगा। विश, इसमें देखिए अब विश, विश में ई एस लगाएंगे हम, विश का विशेज। स्टैचू, ई एस, स्टैचू में ऑनली एस लगाएंगे, स्टैचूज। मनी, नॉट चेंज सेम आएगा मनी का मनी। ड्रीम, ऑनली एस लगाएंगे हम, ड्रीम्स। ओके स्टूडेंट्स, लेसन थर्ड कंप्लीट हो गया है हमारा रिवीजन में, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड, एंड आफ्टर दैन वी विल स्टार्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रिटर्न वर्क है जो कि आपको अपने आप से करना है। पहले आप क्वेश्चन आंसर रिवाइज करोगे वीडियो से, पीडीएफ से रिवाइज करोगे पहले क्वेश्चन आंसर, उसके बाद फिर आपको ये वर्क करना है। फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आपको आंसर राइट करने हैं। फर्स्ट इज हु वाज किंग मिदास, व्हाट डिड ही वांट, अभी ये हमने वीडियो में लर्न किए हैं तो आप इसे अच्छे से कर लोगे। सेकंड इज व्हाट लेसन डिड मिदास लर्न इन द एंड, व्हाट विश डिड द एंजल ग्रांट मिदास, इन सभी के आंसर राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बी पार्ट इज वर्ड मीनिंग, हमने अभी लर्न किए हैं, ग्रीडी मीन्स, ब्यूटीफुल मीन्स, फुलिश मीन्स, स्टैचू मीन्स क्या होता है,
अपीयर्ड स्टैचू मीन्स क्या होता है, अपीयर्ड मीन्स क्या होता है, ये आपको अपने आप राइट करने हैं। एंड नेक्स्ट इज सी पार्ट, जिसमें आपको हु सेड टू हुम दिए हुए हैं, किसने किसको कहा। फर्स्ट इज आई लव गोल्ड मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, अभी हमने लर्न किए हैं ये। डियर फादर लुक एट दिस लवली फ्लावर, बताने हैं ये आपको किसने कहा और किसको कहा। आंसर राइट करने हैं इसके इधर। ओके स्टूडेंट्स, पहले आप अपना लर्निंग का वर्क करोगे, उसके बाद लर्न होने के बाद आप इसको करोगे प्रैक्टिस वर्कशीट को। ओके स्टूडेंट्स।